औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों द्वारा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं आने जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया। मौके पर नगरपालिका अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर लोगों को समझाइश दी, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। स्थानीय रहवासियों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। नव निर्माण रोड विगत 2 वर्षों से बनाया जा रहा है, बावजूद इसके अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। रोड खुदा हुआ पड़ा है, चैम्बर बनाए मगर ढके नहीं हैं, जिससे रहवासियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए नगरपालिका के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों की मांग थी कि सड़क निर्माण का कार्य पिछले कुछ समय से बंद है, रास्ते भर में चैम्बर खुले हुए हैं, गड्ढे खुदे हैं, आए दिन दुर्घटना होती है, लोग घायल होते हैं। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। गाड़ी नहीं जा रही, आदमी पैदल तो घूम रहा है। चलो गड्ढे में से आदमी जा रहा है, मगर वो जो रोड एक साइड की बनी है उधर से गाड़ी जा रही है। कोई गाड़ी गिर पड़ी, आयसर गिर पड़ी, आयसर गाड़ी गिर पड़ी तो आराम से मरेंगे, बचेंगे नहीं। वो एक साइड गाड़ी जो चल रही है, अगर वो गाड़ी गिरी खुदान का रास्ता तो आदमी मरेगा ही मरेगा, बचेगा नहीं वो। जी भैया बताए क्या है ये? 2 साल से रोड का काम चल रहा है, 2 साल से एकदम ऐसा विकास हो रहा है कि पूछो मत कैसा विकास हो रहा है हाउसिंग में। ना रोड का काम चल रहा है, ना गड्ढे भर रहे हैं, और आते आते सब ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अंदर आ नहीं पा रहे हाउसिंग में। हाउसिंग की कॉलोनी पीथमपुर की एक नंबर कॉलोनी थी, उसको सबसे घटिया कर दी गई है। ऐसा काम कर रहे हैं ये तो कैसे चलेगा, और कब तक परेशान रहेंगे हम? या तो इस रोड का काम हो जाए इस तरीके से, या फिर बंद करो काम। ये पुराना जैसा था वैसे, ये तो फिर जैसे हमारी हाउसिंग कॉलोनी पुरानी थी ऐसे ही कर दो भैया, कम से कम सुखी तो दे लोगों। कोई विकास नहीं, और ये विकास का ढोल पीटने वालों की सरकार है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप चौधरी। जी भाव जी बताएं, आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं रोड की वजह से, हम परेशान हैं। यहाँ पे सब जितने भी दुकानदार हैं और जो इसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो रह रहे हैं, उन सब व्यक्ति को परेशानी है। रोड खुदा पड़ा है, ट्रैफिक और उसमें चैम्बर भी खुले पड़े हैं, और गाड़ियाँ उसमें चैम्बरों में गिरती हैं। हाउसिंग में घटिया सामग्री लगाई, घटिया सामग्री लगाई। हाँ, और रोड जो बन रहा है वो घटिया सामग्री लग रही है अभी, और अभी तो पानी भर रहा है, अभी तो एक जैसा रोड ही नहीं बन रहा, और ना ही सीमेंट गिर रहे ढंग से, कोई सीमेंट वगैरह कुछ नहीं गिर रहे, ऐसी लीप अपोती कर रहे हैं। 2 साल हो गया काम करते करते, कब तक करेंगे? और 2 साल हो गए काम करते करते, और अभी तक हाउसिंग की अभी ये साली, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का फोटो ले लो, ये पुलिया साली 2 साल से बन रही है, ऐसे में पूरा परेशान है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशनलाल शर्मा, जलेबी वाले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।